प्रयागराज के अस्पताल में महिला ने नमाज पढ़ी, डेंगू वार्ड के बाहर नमाज पढ़ने का वीडियो हुआ वायरल। प्रयागराज के अस्पताल में महिला ने नमाज पढ़ी जिसका वीडियो वायरल हुआ। लखीमपुर खीरी में मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, पत्नी के घर न आने के चलते टावर पर चढ़ा था युवक। कानपुर में साहू ढाबे के खाने में निकली छिपकली की पूंछ, खाना खाने वाले युवक ने थाने में शिकायत की दर्ज। मामले पर कार्रवाई का थाना अध्यक्ष ने दिया आश्वासन। जौनपुर में कब्जा खाली कराने गई टीम के सामने महिलाओं ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। एसडीएम की टीम ने सामने महिलाओं से छप्पन में लगाई थी आग, वीडियो वायरल। लखनऊ के रानी लक्ष्मीबाई हॉस्पिटल में महिला सिपाही के साथ बदतमीजी, मकान मालकिन और किराएदार में हुई मारपीट का मामला सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। अमेठी में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, सामने आई स्ट्रेचर न मिलने पर मरीज को गोद में उठाकर एम्बुलेंस तक ले गए परिजन, वीडियो वायरल। पीलीभीत में पोस्टमार्टम हाउस पर जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही, पोस्टमार्टम हाउस पर सैकड़ों मृतकों का बिस्तर सुरक्षित, सीएमओ ने पुलिस विभाग को ठहराया जिम्मेदार। भदोही में भाजपा नेताओं की गुंडागर्दी, टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों के साथ मारपीट की सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। चंदौली में नाबालिग से रेप के दो दोषियों को 22-22 साल की सजा, 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। बरेली में नवी कक्षा की छात्रा के साथ छेड़छाड़, धर्म विशेष के युवक पर छेड़छाड़ का आरोप, पुलिस ने कई धाराओं में दर्ज किया मुकदमा। लखनऊ में एसटीएफ और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, 25 हजार का इनामी बदमाश रवि यादव उर्फ दिग्विजय यादव समेत 3 गिरफ्तार। गाजीपुर में पुलिस और बदमाश की मुठभेड़ में 25 हजार का इनामी हुआ घायल, पुलिस ने इलाज के लिए जिला अस्पताल में करवाया भर्ती। कब्जे से एक तमंचा, 4 खोखा और एक बाइक की बरामद। पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी को लेकर बोले सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क, आखिर क्यों की जा रही है गिरफ्तारियां, पीएफआई के सदस्यों का आखिर जुर्म क्या है। रायबरेली में 7वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, पुलिस ने बरामद किया सुसाइड नोट। मुजफ्फरनगर में महिला ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर की आत्महत्या, महिला के परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। यूपी के रायबरेली में कक्षा 7वीं में पढ़ने वाले छात्रों ने खुदकुशी की, मौके से सुसाइड नोट भी बरामद। अमरोहा में बदमाशों ने की पुजारी की हत्या, इलाके में दहशत, पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया, पुलिस की तफ्तीश लगातार जारी। मऊ में हाईवे पर पलटी स्कॉर्पियो, हादसे में ड्राइवर हुआ घायल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। घोसी कोतवाली थाना क्षेत्र के बरुआ का मामला। लखनऊ में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने कार को मारी टक्कर, हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार, कार सवार लोग बाल बाल बचे। मऊ में नहर में पलटी स्कूल वैन, वैन में सवार थे प्राइमरी स्कूल के बच्चे, हादसे में सभी बच्चे बाल बाल बचे। मुजफ्फरनगर में पैरोल पर छूटे 16 कैदी वापस नहीं आए जिला जेल, 70 कैदियों को कोरोना काल के दौरान जेल से पैरोल पर भेजा गया बाहर, अब कैदियों की गिरफ्तारी की तैयारी। प्रतापगढ़ की पॉस्को अदालत ने इंस्पेक्टर राजकिशोर को भेजा जेल, फतेहपुर पुलिस की रिट सेल में तैनात है इंस्पेक्टर। प्रतापगढ़ में पॉक्सो अदालत ने फिर बनाया नया रिकॉर्ड, 10 दिनों के ट्रायल में बलात्कारी को आजीवन कारावास की सजा, दोषी ने मासूम के साथ किया था दुष्कर्म। आजमगढ़ में गांजा तस्कर गिरफ्तार, थाना तरवा पुलिस ने की गिरफ्तारी, तस्कर के पास 1 क्विंटल गांजा बरामद। मसूरी में मॉल रोड की खस्ता हालत देखकर जिलाधिकारी का चढ़ा पारा, अधिकारियों को जमकर लगाई फटकार, सभी अधिकारियों को तय की गई जवाब। नोएडा में इकोटेक ट्री से लापता हुए 21 साल के युवक का शव बरामद, मामला प्रेम प्रसंग से संबंधित, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बिजनौर में शरारती तत्वों ने धर्म विशेष के मंदिर की गुल्लक में तोड़फोड़ की, डीएमएसपी और भारी पुलिस फोर्स मजार पर तैनात, पुलिस शरारती तत्वों की तलाश में जुटी। रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी से बरामद फर्नीचर कोर्ट में पुलिस ने पेश किया, यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज के कमरे की दीवार तोड़कर बरामद किया गया था फर्नीचर। बरेली में कारोबारी की मौत का पुलिस ने किया खुलासा, मामले में 2 महिलाओं, 3 किशोर समेत 6 लोग गिरफ्तार, भागने की फिराक में थे आरोपी। बलिया में सुबह सुबह कोफे लगा झटका, 25 से ज्यादा नेताओं ने पार्टी से दिया इस्तीफा, लगातार पार्टी छोड़कर जा रहे हैं नेता। कानपुर मेट्रो के अंदर यात्रियों ने पहली बार मनाया जन्मदिन, रायबरेली के रहने वाले अभिषेक यादव ने अपनी बेटी ईशानवी का 5वां जन्मदिन मेट्रो में मनाया। बुलंदशहर में रंगदारी मांगने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, नगर पालिका चेयरपर्सन फूलवती राणा से मांगी थी 5 लाख रुपए की रंगदारी, कब्जे से अवैध हथियार, मोबाइल फोन और एक चाकू बरामद किया। फिरोजाबाद में बारिश से हाल बेहाल, रसूलपुर थाने के पास सर्विस रोड पर युवक जुगाड़ की नाव बनाकर घूमने निकले। नोएडा में बारिश का दौर लगातार जारी, कई इलाकों में जल भराव की स्थिति, रुक रुक कर लगातार हो रही बारिश, पिछले 3 दिनों से बारिश का दौर जारी।
बिजनौर में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। कच्चे मकान में रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल। प्रशासन ने गंगा किनारे नहीं जाने की ग्रामीणों से अपील की। फिरोजाबाद में तेज बारिश के बाद जगह जगह हुआ जलभराव। बारिश के बाद सब्जी आढ़तियों ने अपनी दुकानों को कोटला रोड पर सड़क किनारे लगाया। सहारनपुर के चेकपोस्ट के शिवालिक जंगल में अनियंत्रित होकर कई वाहन आपस में टकराए। हादसे में बाइक सवार उत्तराखंड पुलिस के जवान की मौके पर ही मौत हो गई। अलीगढ़ में भारी बारिश के चलते भरभराकर गिरा मकान का हिस्सा। मकान में सो रहे 9 लोग बाल बाल बचे। स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू करके लोगों को निकाला बाहर। मलबे में दबकर पालतू कुत्ते की मौत हुई। घटना गांधी पार्क थाना इलाके के दुबे के पड़ाव धोबी वाली गली की है। रुड़की में सुबह से हो रही बारिश। बारिश से जगह जगह सड़कों पर दिखा जलभराव। बारिश होने से फसलों को मिलेगा फायदा, लेकिन पंचायत चुनाव को लेकर प्रचार कर रहे उम्मीदवारों के लिए खलल डाल रही बारिश। मैनपुरी में मुठभेड़ के दौरान छात्र लुटेरों का पुलिस ने किया एनकाउंटर। 3 जिलों में दे चुका था लूट की वारदात को अंजाम। 50,000 का इनामी लुटेरा चढ़ा पुलिस के हत्थे। 17 मुकदमों से चल रहा था वंचित। पुलिस के रोके जाने पर तमंचे से किया था 4 राउंड फायर। उत्तरकाशी में इलगुगाड के पास से गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर पहाड़ी से लगातार पत्थर गिर रहे। गंगानी के पास श्रद्धालु फंसे। बिजनौर में मूसलाधार बारिश से नदी का बड़ा जलस्तर। कोटावाली नदी के रपटे पर बह रहा तेज रफ्तार पानी। यात्रियों की जान जोखिम में डालकर रोडवेज बस ड्राइवर पुल कर रहे पार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।